पिंपरत में आए, पिंपरत में इनके घर के पास में ये पत्थर के गंज में सांप घुस गया है। अभी हम इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो देखते रहे, सांप इसमें मिलता है या नहीं मिलता। मी गाव मध्ये आलो, तो इथून आलो, फोन नाही उचललो तू म्हटलं आला मग माल नसेल केलं, मग आलताप नाही केला, आलताप नाही केला असं मी त्या दिवशी आलताप आम्हीच घेऊन चालला त्याला खालची काढावं लागतो तो इकडे येतच नव्हता, तो सरळ आज पहिल्यांदा दिसतोय ते थांबलं नाही थांब ना तुला शर्म इकडे इकडे साइड साफ करू चला का। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं पत्थर के गंज में से हमने इसे पकड़ लिया है, रैट रैट स्नेक। ये दामन 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 है इमेज कर लो मोटे दामन दामन है पक्की दार रहा था मामा बस उन नका मामा ने बरक पड़ा कैसे दिया सर माहिती द्या जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने रैट स्नेक पकड़ा है, कम से कम ये चार पाँच साढ़े पाँच फुट का सांप है, मगर ये सांप जहरीला नहीं है, बिगर जहरीला है। इसके काटने से लोग डर जाते हैं और डर के मारे कोई कोई लोग मर भी जाते हैं। पहले कुठून बघितलं तुम्ही म्हणजे आज दगडांमध्ये घुसते मी पण होतो खाल्लं त्याने काही त्यांनी काहीतरी खाल्लं पहिले थांबला थोडा वेळ आणि मग निघाला दोन आहे बरणी आण ना बरणी नका ना गोणी घ्या गोणी गोणी घ्या ते नाग है क्या दोस्तों? तो एक नाग है। इस रैट का कलर एकदम ब्लैक है, तो कुछ लोग इसको ब्लैक देखकर इसको कोबरा भी समझ बैठते हैं और इसे मारने के लिए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि कोबरा जो है वो जहरीला होता है और दामन बिगर जहरीली होती है, दामन से आपको कुछ खतरा नहीं होता है।
इन्होंने सांप देखने के बाद में हमें इन्हें कॉन्टेक्ट किया और इन्होंने कॉन्टेक्ट किया। ज्यावेळेस मी बघितला त्यावेळेस मला तो नाग वाटला होता आणि मी लगेच आसिफ भाई यांना फोन केला। नवीन आज हमारे कॅमेरामन ने आदेश शेजवळ आज इन्होंने भी रैट को हाथ में लिया है और ये इसे हैंडल करने की और इसके पैक करने की कोशिश करेंगे। पैक कर। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल देख के आप भी ऐसे सांप पकड़ने की कोशिश ना करें। तापलं ते खाली टाका देस सोडण्याचा प्रयत्न करू राहिली तिची तीच बिंगू राहिली ना सावली टाका करून आले डबकी काही थोडं पाहिलं का त्यावर येडा घाल त्यावर जायला हा पाहिलं तो दोस्तों अभी हमने इसे पैक कर लिया है और इसे अभी सुरक्षित जगह पे छोड़ने के लिए इसे जाएंगे।